हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सोशल साइंस का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर यानी कि ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड लेकर के आई हूँ। और इससे पहले मैंने ज्योग्राफी ऑफ असम भी दिया था, ठीक है। वो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो रहा था, इसलिए उसमें मैंने ये क्वेश्चन पुट अप नहीं किए। तो चलिए देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड और इससे रिलेटेड जो हमारा सिलेबस है उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में देखिए आपको पढ़ना क्या है, ब्रेफ इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्थ पढ़ना है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये दो चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है और आई थिंक बुक में 2 से 3 पेज में ही ये पूरा कवर अप हो जा रहा है। तो 2-3 पेज का जो है ना उसमें जितना कुछ भी क्वेश्चन बनता है सब पढ़ लो, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। बट फिर भी मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ आप लोगों को ताकि हेल्प हो जाए। यहाँ पे देखो शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस। राइट इन ब्रेफ अबाउट द अर्थ लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ये क्वेश्चन तो है ही, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है, ठीक है। हाउ वाज द अर्थ इन द अर्ली डेज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर। देन राइट ब्रेफली अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उस स्पेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वही मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। देन ये भी एक क्वेश्चन है, वाई डू 90% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, गिव रीजन, ओके। देन उस स्पेस से रिलेटेड एक शॉर्ट नोट भी बनता है जो है आपका पेंजिया, ठीक है, ये शॉर्ट नोट बनता है आपका। देन इसके बाद है गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी है जो 1 मार्क्स का होगा। बाकी चैप्टर्स में मैंने 1 मार्क्स का नहीं दिया, हार्डली लॉन्ग क्वेश्चंस ही दिए हैं, ठीक है, बट उससे ही रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, देख लेना आप लोग। और 50 शॉर्ट क्वेश्चंस तो दिया ही है मैंने ऑलरेडी, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। और बाकी जो आपने प्रिपरेशन किया है वो तो हो ही गया, ये जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। मेरे क्वेश्चंस पे डिपेंड होने के लिए मैं कभी नहीं बोलती हूँ, आपका अपना प्रिपरेशन क्या है वो भी देखिए, आपने 1 साल में क्या प्रिपेयर किया है, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, वो तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, विच हैज़ क्रिएटेड अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड, इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया विच आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, देन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज स्प्रेड टू कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। इसके बाद है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विच आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, देन विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड। सो ये रहा आपका ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये क्वेश्चंस आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। इसके बाद में इस वीडियो में आपको डेमोक्रेसी के ऊपर यानी कि इस वीडियो में मैं आपको डेमोक्रेसी यानी इंडियन डेमोक्रेसी जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है उसका क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी। और आप लोग साथ ही इसका सिलेबस भी देख लीजिए जो कि है इंट्रोडक्शन 1, दूसरा 1.1 में आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा तीसरा द फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, देन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखिए पहला, व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन कैम टू इंडिया, देन हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, देन हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वेयर द वर्ड्स सोशली सेकुलर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल, देन विच कंट्री इज़ रिगार्डेड एज द होमलैंड ऑफ फेडरेशन एंड इज़ देयर ड्यूअल सिटीजनशिप इन इंडिया। एंड ये भी एक क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लैटिन वर्ड हैज़ द इंग्लिश वर्ड फेडरेशन बीन ड्राइव, बट इसके अलावा ये क्वेश्चन आ सकते हैं होमलैंड ऑफ फेडरेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं उनके उसके अगेंस्ट में। शॉर्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड द कैबिनेट मिशन टू इंडिया, देन व्हाई आर द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म सवरिंग, ये वाला एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सवरिंग।
देन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द टू वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल इन विच ईयर. देन व्हाट इज मीन्ड बाय कासी फेडरेशन स्टेट फेडरल स्टेट. देन विच इंडियन एक्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया. ओके ये एक क्वेश्चन. इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चंस में देख लेते हैं डिस्कस. ये सारे जो इन आपका पॉलिटिकल का हो और या फिर इकोनॉमिक्स का हो उसमें से 5-5 मार्क्स ही दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है डिस्कस हाउ द आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मैनिफेस्टेड इन इट्स प्रीएम्बल. देन राइट इन डिटेल्स अबाउट व्हाट इज मीन बाय सेवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो इसे देख करके जाना. ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम. ठीक है, देन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. ओके ये क्वेश्चंस. अब देखते हैं इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्या पूछे गए हैं एग्ज़ाम में. यहाँ पे देखिए 2018 से ही पूछा गया है बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है आपका डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम. देन व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर. सो मैंने आपको सारा का सारा जितना है लेशन सबका ही प्रोवाइड कर दिया है क्वेश्चंस. सो प्लीज़ जो भी हेल्प मिल रहा है आपको ले लीजिए, और आपका अपना प्रिपरेशन तो है ही. और साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सारस ट्यूटोरियल के इंस्टाग्राम को फॉलो करिए. ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर.